Today I learnt about line and angles of class 7 chapter 13. तो हम लाइन को देखेंगे. ये जो फिगर दिया हुआ है ए बी, ये क्या है? एक लाइन है. लाइन में बोथ लाइन को हम बोथ डायरेक्शन यानी किसी भी डायरेक्शन में एरो का जो साइन दिया हुआ है, यानी इस डायरेक्शन में भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा सकते हैं. तो लाइन जो होता है इसका लेंथ जो होता है फिक्स नहीं होता, डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए हम लाइन को किसी भी पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. केवल लाइन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि यह क्या है, लाइन है. तो अगर लाइन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी टू लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वन लेटर से रिप्रेजेंट करना होगा तो स्मॉल लेटर का यूज करेंगे. जैसे इस लाइन को अगर नेम लिखना है इस लाइन का, तो वी कैन राइट ए एंड बी, यानी लाइन ए बी. हम इसे कह सकते हैं लाइन ए बी है. अगर इसे सिंबल के फॉर्म में लिखना होगा तो ए बी के ऊपर लाइन का सिंबल दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लाइन ए बी पढ़ेंगे. जबकि इसी लाइन को अगर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना होगा तो लाइन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यल. तो जब भी स्मॉल लेटर का यूज लाइन को रिप्रेजेंट करने में होगा तो वह क्या होगा, कोई एक ही लेटर होगा. जबकि कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम टू लेटर्स का यूज करेंगे. यानी इसे हम लाइन एल पढ़ सकते हैं, इसमें एल स्मॉल लेटर का यूज किए हैं, जबकि यहाँ पे लाइन ए बी को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे टू लेटर्स का यूज हुआ इसलिए हम कैपिटल का यूज करेंगे, यहाँ वन लेटर का यूज हुआ इसलिए स्मॉल का यूज करेंगे. अब हम देखेंगे एंगल. एंगल जो है क्या है, मरीज एंगल. तो एंगल इज मेड बाई टू आर्म्स विथ सेम वर्टेक्स या कॉमन वर्टेक्स. एंगल जो होता है टू आर्म से बनता है जिसका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है. तो यहाँ पे दो टू आर्म्स जो है ओ ए है और ओ बी है. ओ ए एंड ओ बी आर टू आर्म्स एंड इसका वर्टेक्स क्या है, ओ. तो बोथ आर्म ओ ए एंड ओ बी का जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, ओ है. इसलिए इसके बीच में जो गैप बना वो क्या होगा, एंगल होगा. यानी एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी या एंगल डी ओ ए. हम इस एंगल को ए ओ बी लिख सकते हैं या एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं. ये जो है एंगल का साइन है, द साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल. इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट एंगल्स. सप्लीमेंट एंगल को देखेंगे तो सप्लीमेंट एंगल देखने के लिए सप्लीमेंटरी, यानी किसी भी पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. सप्लीमेंटरी एंगल क्या होता है, 82 एंगल्स का जब हम पेयर का सम निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री. तो हम लोग नोट में लिखेंगे सम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल मेजर 180. यानी किसी भी सप्लीमेंट एंगल के पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. यानी अगर टू एंगल्स है, सपोज एंगल ए एंड बी, तो एंगल ए प्लस बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री. उसी तरह
हुआ है, आपको सेकेंड एंगल निकालना है या उसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है, तो हम 180 में उस एंगल को माइनस करके निकाल सकते हैं। यानी अगर मान सपोज आपको एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, आपको एंगल बी का एंगल ए का सप्लीमेंट एंगल निकालना है, तो 180 में अगर हम एंगल ए को माइनस कर देंगे तो उसका वैल्यू सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। इस तरह से हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके एक्सरसाइज उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। सम ऑफ शेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यानी किसी भी टू एंगल, यदि एंगल का पेयर है, टू एंगल्स है, तो उसका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। वैसे टू पेयर्स को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट एंगल किसी एंगल का निकालना होगा तो 90 में हम उसे माइनस करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखेंगे एडजेसेंट एंगल में क्या होगा कि वैसे टू एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं जिसमें दोनों एंगल के बीच एक कॉमन आर्म होगा। सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो इस फिगर में बन रहा है, ये एंगल टोटल नंबर ऑफ एंगल जो है एंगल ए ओ बी है, ये कंप्लीट एंगल हो गया ए ओ बी, ए ओ सी हो गया एंड एंगल सी ओ बी हो गया। तो इसमें थ्री एंगल्स बन गए, तो इसमें एडजेसेंट एंगल ही होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कौन ऐसा टू एंगल्स है जिसमें कोई एक आर्म जो है कॉमन है, यानी दोनों में है। हम यहाँ पर देखते हैं ए ओ सी में ये आर्म जो है कॉमन है, ओ सी जो है ए ओ सी में है एंड एंगल बी ओ सी में बी ए का आर्म कॉमन है यानी ओ सी। यानी ये दोनों, ये ओ सी जो है, ये आर्म ओ सी जो है, ये दोनों एंगल में क्या है कॉमन है आर्म। तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा एडजेसेंट एंगल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। तो इसमें ए ओ सी एंड बी ओ सी क्या होगा एडजेसेंट एंगल होगा। इसके बाद इसमें लास्ट है एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को देखेंगे इसके बाद। ऐसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे या लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी
लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स एंड टू अपोजिट रेंज। सपोज ये एंगल है ए ओ बी, यहाँ पे टू एज है जो कि ओ बी है एंड ओ ए है। टू एज जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों, ये टू एज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और इससे जो फिगर बन रहा है यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी होगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे टू एज जो है ओ ए एंड ओ बी, टू एज है जो कि क्या है, टू एज जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सपोज इस फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अब इसी एंगल को, एंगल ए ओ बी को अगर कोई रेंज बाइसेक्ट कर रहा है, टू पार्ट्स में बांट रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ पे टू एज जो है अपोजिट डायरेक्शन में है और ये जो है ओसी जो है ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का क्या है, कॉमन आर्म है, दोनों एंगल का कॉमन आर्म है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। तो वैसे टू एडजेसेंट एंगल जिसमें जो कि वैसे टू एज पर बना हुआ है जो कि दोनों ये क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी अगर इस एंगल का वैल्यू एक्स है, यानी इसका वैल्यू वाई है, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू होगा 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टी, एल फॉर लीनियर, बी फॉर पेयर, ए फॉर एंगल्स। एंगल लिख सकते हैं या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एल पी ए लिख सकते हैं या एल पी पी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 36 में। उससे पहले हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करता है ए ओ बी एंड सी ओ डी, यहाँ पर देख रहे हैं कि टू लाइन क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वैसे टू लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी इसका ये जो है अपोजिट मींस उल्टा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, यानी ये दोनों जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये दोनों जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, यानी एंगल ए ओ सी जो होगा इक्वल होगा एंगल एंगल डी ओ बी का, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। B for vertically, O for opposite, and A for angle. यानी इसे शॉर्ट में हम बी ओ ए लिख सकते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 13 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको एंगल दिया हुआ है उसका कंप्लीमेंट एंगल निकालना है 35 डिग्री। तो लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल ऑफ फाइव डिग्री यानी किसी भी एंगल का आपको कंप्लीमेंट एंगल निकालना होगा तो हम 90 में उसे माइनस कर सकते हैं। यानी 35 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल निकालना है तो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल फर्स्ट 80 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल का पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी जब भी किसी एंगल का सप्लीमेंट एंगल निकालना होगा तो उसे हम 180 में माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल ऑफ एटी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। यानी जब हम 80 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो 100 डिग्री आएगा और 100 डिग्री का कम सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो 80 आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, अमाउंट टू सप्लीमेंट्री एंगल इन क्वेश्चन नंबर 3 अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल, फाइंड देयर मेजर। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्मॉलर एंगल dx देन लार्जर एंगल जो होगा यहां पे कह रहा है कि लार्जर एंगल जो है 36 ज्यादा है स्मॉलर एंगल से, यानी x प्लस 36 होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी सप्लीमेंट एंगल के पेयर का सम कितना होता है 180, यानी लिखेंगे वी नो सम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यानी x प्लस 36 इज इक्वल टू 180 2x इक्वल टू 180। ये प्लस 36 इस साइड जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, 144। यानी x का वैल्यू 144 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। यानी जब भी तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका x था तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 72 डिग्री एंड लार्जर एंगल इक्वल टू x प्लस 36, यानी x का वैल्यू 72 है प्लस 36 यानी 108 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। या इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। कहता वो एंगल निकालिए जो कि इक्वल है सप्लीमेंट का। तो हम मान लेंगे कि लेट एंगल बी एक्स
सप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, यक्स, क्यों यक्स होगा, क्योंकि एंगल जो है वो सप्लीमेंट का इक्वल है, यानी एंगल यक्स होगा तो सप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, यक्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी यक्स प्लस यक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ऐसा एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट का क्या है, इक्वल है। अगर 90 डिग्री एंगल का हम सप्लीमेंट एंगल निकालते हैं, 180 में 90 को माइनस करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, 90 ही आएगा। सो इट इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट एंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन द गिवन फिगर एओ बीज स्ट्रेट लाइन है एंड ओसी जो है स्टैंड ऑन एंड ओसी जो है इसके स्टैंड स्थित है। इसका वैल्यू 2x माइनस 10 है और इसका वैल्यू 3x प्लस 20। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल एओबी जो है एक स्ट्रेट लाइन है और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए एंगल एओबी स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये एंगल और ये एंगल, एंगल एओबी जो है सबसे पहले लिखेंगे एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अभी क्या कह रहा है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ। ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम 180 होगा, यानी वी कैन राइट 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर हम देखेंगे एओ बी के बदले हम एंगल एओ सी एंड बी ओ सी कर लेंगे। तो एओ सी जो एंगल है ये एओ सी एंगल है, अगर मान लीजिए ये 180 है पूरा का सम, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि दोनों का सम जब भी होगा तो 180 होगा, यानी ये एंगल का सम जो है एंगल एओ बी का इक्वल होगा। यानी एओ बी के बदले हम लिख सकते हैं एंगल एओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर लेंगे। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल फॉर्म होता है, मोर देन टू एंगल्स फॉर्म होता है, दो से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तो जितने भी एंगल बनेंगे स्ट्रेट लाइन पर उन सभी का सम कितना होगा, 180, यानी ये दोनों का सम 180 होगा। और इसे हम कैलकुलेट कर देंगे 2x प्लस 3x 5x प्लस 10 इक्वल टू 180 5x इक्वल टू 180 माइनस 10 5x इक्वल टू 170 डिग्री, यानी x का वैल्यू 170 डिग्री बाई 5। हमें निकालना है फाइंड द एंगल्स, यानी ये दोनों एंगल्स को निकालना है, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी।
हम लोग देखते हैं कि एंगल ए और सी जो है इसका वैल्यू है 3x - 10। तो 2x x का वैल्यू कितना होगा? 34 होगा, माइनस 10 के लिए 16 - 10। एंगल बी और सी का जो वैल्यू होगा वो 3x + 20 के लिए होगा। 3x का वैल्यू 34 प्लस 20, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 122 + 20, 122। यानी बहुत एंगल्स को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं। तो बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 और 10 सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट को, ए बी एंड सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, आपको एंगल सी ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है या ए ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ डी फर्स्ट में, ए ओ डी निकालना है, सेकेंड एंगल बी ओ डी निकालना होगा, थर्ड एंगल सीओ भी निकालना। ये 3 एंगल्स आपको निकालने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ए ओ सी, ए ओ सी आपका ये एंगल हो गया। फर्स्ट में क्या निकालना है? ए ओ डी निकालना है। तो ए ओ डी कौन सा एंगल है? ए ओ डी यानी ये एंगल। सपोज हम इस पार्ट को ढक देते हैं, मान लीजिए ये लाइन नहीं है, तो एंगल सी ओ डी जो है एक स्ट्रेट लाइन होता है सी ओ डी, एंड ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यदि हम इस पार्ट को ढक देते हैं तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये सी ओ डी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इस पार्ट को ढक देते हैं तो ए ओ डी का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये 13 एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट में ए ओ डी निकालना है तो ये एंगल और ये एंगल चूंकि स्ट्रेट लाइन पे है तो ये दोनों का सम 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे ये 13 एंगल्स, तो ए ओ सी का वैल्यू 42 है प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ डी का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री, जब प्लस 42 था इस साइड में माइनस 42 हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 10 - 2 = 8, 7 - 4 = 13, 130 डिग्री। अब जब भी किसी
टू एंगल्स का वैल्यू हमें मालूम हो गया, तो अदर टू एंगल्स को हम सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि एंगल ए ओ सी हमें मालूम है, इसका वर्टिकल या पॉलीटोनल क्या होगा, एंगल बी ओ डी होगा, यानी ये 42 है तो ये भी क्या होगा, 42 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल या पॉलीटोनल इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए ओ सी नाउ एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी वर्टिकल या पॉलीटोनल। इसी तरह से एंगल हमें एओडी मालूम चला है, एंगल एओडी इक्वल टू इस एंगल का वर्टिकल या पॉलीटोनल इसका यह होगा, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकल या पॉलीटोनल इक्वल होगा, यानी एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री वर्टिकल या पॉलीटोनल। यहाँ भी हम लोग एक स्टेप को बढ़ा सकते हैं, एंगल एओसी इक्वल टू बीओडी इक्वल टू 42 डिग्री। हेंस एंगल बीओसी बीओसी या सी ओ डी वो था क्या सेम है, तो फिर क्वेश्चन में दिया हुआ उसी लिए हम लोग लिखते हैं सी ओ डी सी ओ डी सी ओ डी इक्वल टू 120। यानी आपका कितने एंगल सीधा गया, फर्स्ट एंगल आपका ए ओ डी था, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल जो आपका था बी ओ डी तो बी ओ डी निकल गए, थर्ड एंगल है सी ओ डी तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका इस चैप्टर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग वीडियो को नोट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये जो पॉइंट है वी नो सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होगा, सपोज ये लाइन है, इस पॉइंट के चारों तरफ का जो सम होगा एंगल का वो कितना होता है 360 डिग्री, यानी किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम 360 होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं ये सब टोटल का सम कितना होगा, इसके सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट कितना होगा 360 डिग्री। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी एंगल्स हैं इन सभी का सम कितना होगा, क्योंकि इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है एक्स 74 56 900 ये ऑल एंगल्स का सम 360 होगा।
86 प्लस 100 इक्वल टू 360। अब यहाँ पे एक्स प्लस ये 300 को हम ऐड करते हैं तो 220 मिल जाता है इक्वल टू 360। तो एक्स का जो वैल्यू होगा 360 डिग्री माइनस 220 यानी इसका वैल्यू 140 डिग्री। इस तरह से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।